वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप में क्या फर्क है? जी चलें, देखिए वैल्यू टाइप, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं इंटीजर आई इक्वल्स टू 10, आई में क्या स्टोर है? 10 स्टोर है। आई की डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। लेकिन जब मैं यहां लिखता हूं ह्यूमन सलीम इक्वल्स टू न्यू ह्यूमन, तो सलीम में क्या स्टोर है? सलीम में 100 स्टोर है कि सलीम स्टोर है, क्या स्टोर है? हाँ, सलीम में एक रेफरेंस स्टोर है, यानी कि एक एड्रेस स्टोर है। किसका एड्रेस स्टोर है? ह्यूमन के ऑब्जेक्ट का। अब ये चीज थोड़ी समझने वाली है। देखिए ये जो लाइन है ना, इस लाइन में पूरा एक समंदर है, और वो समंदर जो है ना, वो आप उसमें जितनी झलांग लगाएंगे ना, उतना गहरा होता चला जाएगा, है ना? ये बड़ा मसला है। जिस समंदर में जाओ ना, वो पता चलता है उसकी गहराई खत्म ही नहीं हो रही। अच्छा, मैं यहां आपसे कह रहा हूं कि ये जो लाइन है ह्यूमन सलीम इक्वल्स टू न्यू ह्यूमन, तो इसके दो पार्ट है। ये है सलीम वेरिएबल की डिक्लेरेशन, और ये है सलीम वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन। ठीक है, जब ये सलीम वेरिएबल डिक्लेयर होगा तो ये जहन में रखें कि ये एक रेफरेंस वेरिएबल है। रेफरेंस वेरिएबल से मुराद ये किसी मेमोरी के ब्लॉक का एड्रेस स्टोर करके रखेगा। एड्रेस को हम कहते हैं रेफरेंस। समझ में आ रही है? ये क्या करेगा? मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस स्टोर करके रखेगा। अच्छा, ये जो लाइन है ना न्यू ह्यूमन, ये न्यू ह्यूमन जो है ना, वो मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक बना देगा। अच्छा, कितना बड़ा ब्लॉक होगा वो? तो भाई वो डिपेंड करता है कि आप जिस क्लास का बना रहे हैं उसमें क्या क्या चीजें हैं। जैसे अभी हमने ह्यूमन का ऑब्जेक्ट अगर ये लिखा ना मैंने न्यू ह्यूमन, तो ह्यूमन में तीन प्रॉपर्टीज हैं और दो मेथड हैं। तो यूं समझ लें कि ये तीन प्रॉपर्टीज के लिए जगह और ये दो मेथड्स के लिए जगह, ये मेमोरी में एक ब्लॉक बन गया। इस ब्लॉक में यहां पर स्पीड है, आईक्यू है, नेम है, ये पहला मेथड है और ये दूसरा मेथड है। अब इस ब्लॉक का ना कोई एड्रेस होगा। ब्लॉक का एड्रेस होने से मुराद कि हमारे इलाकों में आप देखते हैं डिफरेंट साइज के घर होते हैं, कोई 120 गज का है, कोई 200 गज का है, कोई 1000 गज का है, लेकिन एड्रेस एक घर का एक ही होता है। ऐसा तो नहीं है कि 1000 गज के 10 एड्रेस होते हैं 1000 गज वाले घर के, या 120 गज वाला जो घर होता है उसका आधा एड्रेस होता है। एड्रेस सबका पूरा पूरा होता है। इसी तरह मेमोरी में भी ना डिफरेंट साइज के ब्लॉक बने हुए होते हैं कंप्यूटर मेमोरी में, और हर ब्लॉक का कोई एक एड्रेस होता है। तो ये जो ब्लॉक है इसका भी कोई एड्रेस है। वो एड्रेस असल में सलीम के पास स्टोर है। मेरी बात समझ में आ रही? ये इसके पास इसका एड्रेस स्टोर है, यानी ये इसको पॉइंट कर रहा है। तो अब चले, मैंने सलीम का ऑब्जेक्ट बना लिया, अब मैंने एक और ऑब्जेक्ट बना लिया ह्यूमन का, किस नाम से? सलमा से। तो क्या होगा? होगा ये कि मेमोरी में एक ब्लॉक और बन जाएगा। उसी साइज का, और इसका जो एड्रेस है
वो एक और वेरिएबल के पास होगा जिसका नाम है सलमा। अब अगर मैं सलीम डॉट स्पीड करूंगा तो ये वेरिएबल एक्सेस होगा, और अगर मैं सलमा डॉट स्पीड करूंगा तो ये वेरिएबल एक्सेस होगा। ये सलमा डॉट आई क्यू है, ये सलमा डॉट नेम है, ये सलीम डॉट आई क्यू है, ये सलीम डॉट नेम है। सलीम डॉट रन कॉल करूंगा तो ये कॉल होगा, सलमा डॉट रन कॉल करूंगा तो ये कॉल होगा, सलीम डॉट लर्न कॉल करूंगा तो ये होगा, सलमा पे ये होगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये सलीम और सलमा जो है ना, ये रेफरेंस वेरिएबल है, इनके अंदर रेफरेंस है। किसका रेफरेंस है? ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है। ये ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है? ह्यूमन की क्लास के ऑब्जेक्ट है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलें। आप मुझे ये बताएं, अगर मैं अपने कंप्यूटर मेमोरी में कोई चीज डिलीट कर देता हूं तो वो कहां जाती है? वहां से भी डिलीट कर दिया तो कहां चली जाती है? वहां से भी डिलीट कर दूं तो कहां चली जाती है? हैं? लॉग फाइल के फोल्डर में, रॉ फाइल के फोल्डर में कहां जाती है? कभी कंप्यूटर बोल के देखा आपने, उसमें साइड पे मट्टी पड़ी हुई होती है? नहीं, कंप्यूटर के अंदर खोल के देखा उसमें ना साइड पे आपको थोड़ी थोड़ी मट्टी नजर आएगी। मट्टी क्या होती है यार? इसकी बैटरी चेंज कर देना। हाँ, मट्टी देखी कभी कंप्यूटर खोल के? यार क्या भंग पी के आए हो क्या तुम लोग? भंग पिए कभी? है किसने पिए भंग? भंग पता है किसने इजाद की? किसने इजाद की? डॉक्यूमेंट्री देखी थी? अबे भाई, ये कायम अली शाह साहब की याद है। सबसे पहले उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम पे इसका एक्सपेरिमेंट किया था। भूल गए यार आप लोग, तारीख नहीं पता आप लोगों को? मजाक करो यार, पता नहीं कोई जियाला निकल आया बाहर, बाप से मेरे लिए मुसीबत हो गई। ये असल में ना कायम अली शाह भाई जो है ना, वो एक कैफियत का नाम है, किसी पे भी तारी हो सकती है। सही, चलो मजाक कर रहा हूँ मैं, मैंने घर वापस जाना। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि क्या कह रहा था उससे पहले? हाँ, मैं कह रहा था कि जब कोई डेटा डिलीट हो जाता है तो वो कहाँ जाता है? हाँ भाई, कहाँ जाता है? हाँ, मैंने उसको डिलीट कर दिया तो कहाँ चला गया? एक बात याद रखें, कंप्यूटर मेमोरी के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में डिलीट नामी कोई चीज नहीं होती। यहाँ पे जो हमारी रियल वर्ल्ड एग्जांपल के हिसाब से जो करीब तरीन ऑपरेशन है ना डिलीट का, वो है गुम हो जाना। डेटा गुम हो जाता है, डिलीट नहीं होता। अब डेटा के गुम हो जाने से क्या मुराद है? गुम हो जाना तो समझते हैं ना, खो गया। डेटा डिलीट नहीं होता, खो जाता है, यानी कि वो मेमोरी में ही पड़ा हुआ होता है। जब आप किसी चीज को डिलीट करते हैं तो वो मेमोरी में ही रहती है, बस उस तक पहुंचने का रास्ता गुम हो जाता है। या इसको टेक्निकल जुबान में आप बोलते हैं कि वो डेटा अनरेफरेंस्ड हो जाता है। अच्छा चलें, मिसाल के तौर पे आपने एक लेटर लिखा, आपने लेटर लिखा अम्मी के नाम, आपने लिखा अम्मी आई लव यू, ठीक है, और लेटर कहाँ सेव कर दिया? सी ड्राइव में। सही है? अब सी ड्राइव में सेव करने के बाद आपने उसका एक शॉर्टकट बना लिया। शॉर्टकट समझते हैं? शॉर्टकट बना के आपने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। लेटर कहां बनाया था? सी ड्राइव में। उसका शॉर्टकट कहां सेव किया? डेस्कटॉप पे। अच्छा, अब अगर मैं डेस्कटॉप से वो शॉर्टकट डिलीट कर दूं तो वो डॉक्यूमेंट डिलीट हो जाएगा क्या? नहीं होगा।
अच्छा, अगर मैं शॉर्टकट को वहीं छोड़ दूं और सी ड्राइव में जाके उस डॉक्यूमेंट को डिलीट कर दूं तो क्या होगा? शॉर्टकट डिलीट हो जाएगा। अच्छा, अब उस शॉर्टकट पे जाके क्लिक करूंगा तो क्या होगा? वो कहेगा फाइल नॉट फाउंड, क्योंकि उसके पास जो लोकेशन है वो कहाँ की है? सी की है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये जो शॉर्टकट है ना, ये एक रेफरेंस वेरिएबल है। सही? जो किसी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। ये जो सलीम और सलमा है, ये शॉर्टकट्स है जो मेमोरी की किसी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। अगर आप ये डेटा यहां से डिलीट कर देंगे तो ये स्टिल पॉइंट इसी जगह को करेंगे। आप इनसे जब पूछेंगे तो ये इसी जगह पे जाके चेक करेंगे। अच्छा, अब अगर मैं ये करूं कि इसको डिलीट कर दूं तो ये डेटा अपनी जगह पड़ा रहेगा, लेकिन अब आप इस तक पहुंच नहीं सकते क्योंकि ये डेटा कहां पड़ा है किसी को नहीं पता। जब आप यूएसबी अगर कोई कंप्यूटर में लगाते हैं और क्विक फॉर्मेट करते हैं ना, तो वो सारे डेटा को अनरेफरेंस कर देता है, इसलिए फटाफट हो जाता है, डेटा में कुछ नहीं करता। हाँ, अगर आप प्रॉपर फॉर्मेट करेंगे तो पूरा वाइप करता है। इसीलिए जो डेटा होता है ना, वो रिकवर भी हो जाता है। डिलीटेड रिकवरी के जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो रिकवर क्या करते हैं, वो अनरेफरेंस डेटा ढूंढते हैं हार्ड डिस्क में से और वो ला के दिखा देते हैं आपको। मेरी बात समझ में आ रही है? ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास चल रही है यहाँ पर। चले, तो मैं ये आपको बता रहा था कि मैं बता क्या चाह रहा हूँ आपसे, ये सलमा जो है ना, ये सलीम जो है, ये रेफरेंस टाइप वेरिएबल है और ये किसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। कौन सी लोकेशन को? जिस लोकेशन पे ये ऑब्जेक्ट बना है। ये ऑब्जेक्ट बने किसके हैं? क्लास के ऑब्जेक्ट बने। बगैर क्लास के ऑब्जेक्ट बन नहीं सकते। सही? लेकिन फिजिकली ऑब्जेक्ट ही एग्जिस्ट करता है, क्लास एग्जिस्ट नहीं करती है। ह्यूमन कोई चीज नहीं है। सलीम एक ह्यूमन है और सलमा भी एक ह्यूमन है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो क्लास में जो कुछ भी लिखा होता है, जो प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हर ऑब्जेक्ट में होती है, वैल्यू डिफरेंट होती है। इसी तरीके से क्लास के जो एक्शन होते हैं वो हर ऑब्जेक्ट में होते हैं। एग्जीक्यूशन जाहिर है डिफरेंट होती है क्योंकि प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। हर एक की कोडिंग सेम है, एग्जीक्यूशन डिफरेंट है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, अब यहां पे कुछ कॉन्सेप्ट्स और समझ लें। एक मैंने आपको बात बताई क्लास वेरिएबल, और एक मैंने आपको बात बताई लोकल वेरिएबल। ठीक है, ये असल में डिस्कशन हो रही थी हमारी प्रॉपर्टीज के ऊपर, कि क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एक्चुअली वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाती हैं और वो क्लास वेरिएबल्स होते हैं। अच्छा, जो एक्शंस होते हैं ना किसी भी क्लास के, अभी आपको पता है कि क्लास के क्या एक्शन हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है क्लास के ऊपर। भाई ह्यूमन है तो वो तो रनिंग और लर्निंग उसके एक्शन है, लेकिन अगर एक फैन है तो फैन के क्या एक्शन होंगे? हाँ, फैन के एक्शन होंगे ऑन या ऑफ। ठीक है, अब फैन की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? भाई इसकी स्पीड क्या है, इसका टाइप क्या है, सीलिंग फैन है, एग्जॉस्ट फैन है, पेडिस्टल फैन है। ठीक है, इसका कलर क्या है, कौन सी कंपनी का है, ये इसकी प्रॉपर्टीज है। इसी तरीके से लैपटॉप है, लैपटॉप लैपटॉप की क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, इसके कुछ एक्शंस है, ऑन होता है, ऑफ होता है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो एक्शंस जो होते हैं ना, वो वर्ब, कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, वो जो है ना चीजें परफॉर्म कर रहा है। अब ये जो मेथड्स हम बनाते हैं ना, हर मेथड के अंदर दो चीजें होती हैं, जिनको हम मेथड कह रहे हैं, जिनको हम एक्शंस कह रहे हैं ना,
तो ये जो मेथड्स होते हैं इनमें दो चीजें होती हैं, एक होता है भाई मेथड के अंदर जिसको हम कहते हैं मेथड का सिग्नेचर, और दूसरी चीज जो मेथड में होती है वो होती है मेथड की बॉडी। तो ये है मेथड का सिग्नेचर और ये है मेथड की बॉडी, ये इस मेथड का सिग्नेचर और ये इस मेथड की बॉडी, दोनों चीजें मिलकर एक मेथड बनाते हैं। मेथड सिग्नेचर जरूरी इसलिए होता है कि मेथड को कॉल करने के लिए मेथड के सिग्नेचर का पता होना जरूरी है, और जो कुछ भी जब आप किसी मेथड को कॉल करेंगे तो उसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, बॉडी में जो कुछ भी लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। जैसे बॉडी में ये लिखा हुआ है तो अगर आप इस मेथड को कॉल करेंगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है। अच्छा, आप इस मेथड को चेंज कर दें, अगर आप ये करें यहां पे लिखें पब्लिक वॉइड रन और यहां पे लिख दें डबल स्पीड, और डबल एस कर दें, चलें और यहां पर आप एस कर दें। अब आपने स्पीड जो कि एक क्लास वेरिएबल था उसकी जगह यहां एस लिख दिया जो कि यहां एक लोकल वेरिएबल है। अब एक रन का मेथड ये है, एक रन का मेथड ये है, ये दोनों अलग अलग मेथड हैं, सेम नहीं है क्योंकि दोनों का सिग्नेचर डिफरेंट है। सिग्नेचर में तीन चीजें होती हैं। सिग्नेचर में होती है जनाब रिटर्न टाइप, सिग्नेचर में होता है जनाब नाम, सिग्नेचर में होता है आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट से मुराद ये कहलाएगा रन के मेथड का आर्गुमेंट। देखें जो भी जो एक्शन होता है ना मेथड होता है वो मैसेजेस सेंड भी करता है रिसीव भी करता है। हर एक्शन जैसे मिसाल के तौर पे मैं अगर आंखें बंद करके इस डस्टर को उठाता हूँ या मुंह इस तरफ करके उठाता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा ना मैंने उठा लिया बगैर देखे। कैसे पता चला? फील कैसे हुआ? हार्ट बीट? क्या हो गया भाई, किसकी हार्ट बीट तेज हो रही है? हैं? ये उम्र नहीं है तुम लोगों की हार्ट बीट तेज होने की। हाँ, सेंस किस हो? देखें बात सुने, ये जो मैंने पिक किया है ये मेरा एक एक्शन है, एक्शन है ना, ये एक्शन कॉल किसने किया? मेरे ब्रेन ने कॉल किया। मेरे ब्रेन ने क्या कॉल किया? ये पिक का एक्शन कॉल किया। अच्छा, पिक कॉल करते हुए कोई मैसेज भेजा मेरे हाथ को? क्या मैसेज भेजा? इसको पिक करना है या तीन चीजें पड़ी हुई थी, मैंने इसी को क्यों पिक किया? क्योंकि मेरे ब्रेन ने मुझे सिग्नल भेजा कि ये पिक करना है। अच्छा, जब मैंने पिक कर लिया तो मैं ब्रेन को वापस एक सिग्नल भेज रहा हूं कि भाई पिक कर लिया। समझ में आ रही बात? हाँ, ठीक है ना। तो जब भी कोई एक्शन कॉल करते हैं आप तो कुछ मैसेजेस आप सेंड भी करते हैं, कुछ रिसीव भी करते हैं। जो आप सेंड करते हैं ना वो आर्गुमेंट के थ्रू करते हैं, और जो रिसीव करते हैं वो रिटर्न टाइप के थ्रू करते हैं। जैसे इस क्लास में देखें, मैं एक मेथड बना रहा हूं, मैंने लिखा भाई पब्लिक इन पब्लिक वाइड ऐड, ठीक है, और ऐड के मेथड में एक मैंने बना लिया इंटीजर आई इक्वल्स टू 10, फिर अंदर जाके मैंने लिखा इंटीजर जे इक्वल्स टू 20, फिर मैंने लिखा इंटीजर के इक्वल्स टू आई प्लस जे, फिर मैंने लिख दिया console.writeline
ये ठीक है, ये मेथड क्या प्रिंट करेगा, 30 ऐड कर देगा। अब मैं प्रोग्राम रन करूं तो 30 प्रिंट हो जाएगा ना, है ना? क्यों नहीं होगा, कॉल नहीं किया। तो ऐड में कैसे कॉल करूंगा, यहां सिंपली ऐड लिख दूंगा तो ऐड कॉल हो जाएगा, है ना? हो जाएगा ना, क्यों नहीं होगा? नहीं, आर्गुमेंट तो उसमें है ही नहीं, ये क्यों नहीं कॉल हो रहा है यहां पर, क्या नहीं है? हाँ, ये जो ऐड का मेथड है ये ह्यूमन की क्लास में, इसको कॉल करने के लिए ह्यूमन की क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट डॉट करके इसको कॉल करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो मैं सलीम डॉट ऐड कॉल कर सकता हूं, सही है? ओ भाई, गलती से कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है, हैं? टेंशन नहीं लिया करना, जरूरी नहीं है कि हर चीज समझ में आया, ठीक है? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, हम इस वक्त पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, है ना? पता है क्या इंटरव्यू होता है ना किसी कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट का, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, उससे यही चीजें पूछते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। चले आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, कंप्यूटर साइंस के जो ग्रेजुएट होते हैं ना, ग्रेजुएट से मुराद इंटर के बाद उन्होंने चार साल तो अच्छे स्टूडेंट पढ़ते हैं, मतलब 6-7 साल उन्होंने पढ़ा तो वो हो जाते हैं ग्रेजुएट, सही है? तो वो जॉब ढूंढने जाते हैं, 1-1.5 साल तक तो जॉब नहीं मिलती उन्हें, 1-1.5 साल बाद उनको जॉब मिलती है। अब वो या तो होते हैं जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर या डेवलपर या इंटर्नी, समझ लें आप, ठीक है? 2-3 साल वो यहाँ काम करते हैं इस पोस्ट के ऊपर ऑन एवरेज, या तो आपके बड़े भैया का या जान पहचान वाले का सॉफ्टवेयर हाउस हो या कंपनी हो, इदारा हो, तो फिर तो कुछ भी मसला नहीं है, वरना नॉर्मली नॉर्मल लोग, एक तो होते ना बड़े लोग, उनकी बात नहीं कर रहे, नॉर्मल लोग, वो भाई 2 साल इस तरह काम करते हैं, कुछ सीखते हैं, फिर जो है ना वो उनकी डेजिग्नेशन हो जाती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हैं, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाते हैं, और 5-6 साल वो कम से कम इस पोस्ट पे काम करते हैं, फिर जो है ना उनको पोस्ट मिल जाती है सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और वो तकरीबन 7-8 साल इस पोस्ट पे काम करते हैं, ठीक है? फिर अगर ये कोई 10 सीनियर है ना, तो उनमें से 1-2 जो है उनको हम कहते हैं भाई ये सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बन गया, बना दिया जाता है उनको, डिपेंडिंग ऑन देयर परफॉर्मेंस। अब जाके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड समझ में आना शुरू हो जाती है, सही, ठीक है? अब जाके समझ में आना होता है, आ रहा शुरू होता है कि किसी क्लास का नाम मैं क्या रखूं, किसी क्लास प्राइवेट रखूं तो क्यों रखूं, पब्लिक रखूं तो क्यों रखूं, किसके कितना आर्गुमेंट होना चाहिए, ये कीवर्ड यूज करूं ना करूं, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है, इनहेरिटेंस क्या होती है, इनकैप्सुलेशन क्या होती है, अब जाकर समझ में आना शुरू हो जाता है। फिर मैं आपको क्यों बता रहा हूं, है ना? सवाल ही उठता है। तो आपसे कोई भी एक्सपेक्टेशन ये नहीं है कि आप जो है ना वो कोई जो है ना चीजें बनाना शुरू कर दें, आपकी आपसे एक्सपेक्टेशन ये है कि कोई बनी बनाई चीज आपको मिल जाए तो आप उसको रीड कर लें, समझ में आ जाए आपके, या आपको कोई गाइड करे तो आप समझ जाए, टेक्निकल टर्म्स आपको पता हो, आपको कोई बोले कि क्लास लिखो तो आप क्लास लिखते हैं, कोई आपसे कहे कि भाई एक डायग्राम बना के दे दे आपको, तो उस डायग्राम से आप देख के कोड लिख लें, समझ में आ रही बात? तो इस लेवल पर अब यहाँ अगर मैट्रिक इंटर के स्टूडेंट बैठे हुए हैं तो उनको भी ज़ाहिर है इस लेवल पर आने में टाइम लगेगा, तो ये कोई छोटा मोटा लेवल नहीं है, ये इस लेवल पर आने के बाद भी थोड़ा सा ट्रेनिंग की, टाइम की, एक्सपोजर की जरूरत होती है, फिर चीज़ें समझ में आना शुरू होती है, सही है भाई? और ये सबके साथ होता है, जैसे एक मैकेनिक की दुकान में एक छोटा होता है और एक ताजी होता है, ठीक है? आप किसी पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर कौन से नंबर का पाना घुमाना है किसको पता होता है,
उस्ताद जी को पता होता है, वो कुर्सी पे बैठे हुए बोल रहे होते हैं वो नंबर का पाना लेकर आओ, वो नंबर का पाना लेकर आओ। छोटे को ये तो पता होता है कि ये इस नंबर का पाना है, ये इस नंबर का पाना है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि कौन सा पाना कहाँ लगाना है। ये किसको पता होता है? अब छोटा फौरन से तो उस्ताद जी नहीं बनता ना, टाइम लगता है ना, क्या ख्याल? और किसी उस्ताद जी के साथ रगना पड़ता है तब जाके पता चलता, खुद ब खुद भी पता नहीं चलता, है ना। तो ये तो एक प्रोसेस है जो हर फील्ड के अंदर होता है, सिर्फ कंप्यूटर साइंस में नहीं, हर फील्ड में होता है। तो मैं आपको ये बता रहा था, क्या बता रहा हूं, कुछ बता रहा था।